और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड है इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पर जीवन में एक बात याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे विश्व में हर मानव जाति के लिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, आपके अंदर वो चाहत, वह दृढ़ संकल्प आएगा कि प्रतिदिन हमें 6 घंटे पढ़ना है और इतना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि हमारा देश पॉपुलेटेड कंट्री है, जब पॉपुलेशन वाला कंट्री है तो इसमें टैलेंटेड की कमी नहीं है। आप देखिए, हर सेक्टर में 80-85% कट ऑफ जा रहा है, 90% कट ऑफ जा रहा है। तो इसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो या तो सही या गलत, ऐसा सब्जेक्टिव तो है नहीं कि रिटर्न लिखना है, आपने अपनी पूरी दिल की इच्छा उसमें उतार दी। अब देखा गया, नहीं, इन्होंने ज़्यादा दिल की इच्छा लिखा है तो इनको ज़्यादा नंबर दिया जाए, इनको कम दिया जाए। हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग का, वह है तर्क। तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। तर्क आर्गुमेंटेशन हमारे JMD क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो अवेलेबल हैं। हमें समझना है तर्क का मतलब क्या होता है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमें अगर इसके बिहाव को समझ गए, इसके तरीका को समझ गए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, उस तरीका को नहीं समझा, किस तरीके से इसको आंसर किया जाता है, किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमसे आंसर बनने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब हमें यह समझना है कि अगर हमारा दिया हुआ है, अगर आपसे एक कथन दिया जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने लोगों किसी की हत्या के जुर्म में अगर जेल में है तो सबको फांसी दे देनी चाहिए। अब तर्क दिया जाए कि हाँ, इससे जितने भी लोग हत्या के दोषी हैं सबको फांसी दे देना चाहिए, ताकि ये समाज में यह मैसेज आएगा, ये संदेश जाएगा कि ऐसा जघन अपराध करने वाले की सजा यही है, ताकि लोग डरेंगे। सेकंड तर्क दिया जाना चाहिए कि नहीं, इन हर किसी को फांसी नहीं दिया जाना चाहिए। तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद एक एक बिंदु पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, यानी जो कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या हत्या करने के लिए सिद्ध दोषी, क्या हत्या करने के लिए लिए सिद्ध दोषी सभी अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, यह हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह हमारा कथन हो गया। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तर्क दिया हुआ है। पहला हमारा तर्क है कि हाँ, भविष्य में हत्या के मामले, हाँ भविष्य में हत्या के मामले कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा होगा यानी मे बी पॉसिबिलिटीज, ठीक है।
सेकंड दिया हुआ है, नहीं किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार, नहीं किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार, जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को नहीं है, चाहे ऐसे व्यक्तियों के, चाहे ऐसे व्यक्तियों के कारनामे कैसे भी हों, कारनामे कैसे भी हो। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ, अगर ए ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेकंड सही है, ऑप्शन सी दिया हुआ है फर्स्ट या सेकंड सही है, ऑप्शन डी दिया हुआ है ना फर्स्ट ना सेकंड, और ई दिया हुआ है दोनों सही है, दोनों यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक बिंदु पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है या हमसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या हत्या करने के लिए सिद्ध दोषी सभी अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब हमें यह समझिए कि हत्या करने वाले सारे लोगों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अगर सिद्ध हो गया कि आपने यू किल्ड बाय दिस, यू किल्ड बाय अदर पीपल्स, या किसी को आपके द्वारा किसी राम श्याम को मारा गया है, यह प्रूफ हो गया कि आपने ही मर्डर किया है, तो आपको मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसके दो तर्क दिए हुए हैं। पहला तर्क है, हाँ भविष्य में हत्या के मामले कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब ये बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। किसी भी जीव की हत्या करना जघन्य अपराध है, यह सही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप किसी भी हमारे मानव जाति की अगर हत्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जानवरों की हत्या करने पर भी अगर आपको संलिप्त पाया जाता है तो आपको जेल हो जाती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ब्लैक हिरन या कोई भी हिरन या बाघ से किसी को मारने में वो आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, आरक्षित किया गया है कि इस क्षेत्रों में आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप शिकार करते हैं और शिकार करते हुए पाए जाते हैं तो आपको बहुत सालों की सज़ा, 5 साल, 6 साल, 4 साल आपकी सज़ा होती है, 10 साल भी सज़ा हो सकती है। तो हमें यह कहना है कि किसी भी इंसान को अगर मान लो कि हत्याएं जो होती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो गलतीवश में कर दिया हो, उसको अनजान में कर दिया हो, या उसकी गलत सूचना के आधार पर किसी दूसरे को आवेश में कर दिया हो, तो गलत होती है हत्या करना, तो हत्या करती, इसके जरूरी यह नहीं है कि उसको मृत्यु दंड ही सजा दिया जाए। उसके लिए हमारे आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास उम्र कैद में डाल दिया जाए ताकि वो जीवित रहे, और जीवित रहेगा तो जेल के काम भी करेगा, तो उसके ये एहसास होगा कि हमें कैसे मेहनत की जाती है और कैसे एक जेल काल कोठरी में हम बैठे हैं तो हमने दूसरे को तंग किया तो हमारी स्थिति क्या है। यह मैसेज ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मृत्यु दंड हर केस के लिए दे देना हत्या के सिद्ध के लिए, यह इस स्टेटमेंट के द्वारा उतना उचित तो है पर उतना उचित नहीं है। उम्र कैद भी उससे ज़्यादा खतरनाक है। आप एक काल कोठरी में, एक बड़े से छोटे से रूम में आप सारी जीवन उसी में रह जाते हो, 20 साल, 25 साल। आप सोचो कि आपके दिल में कितना कष्ट होगा। आप बाहर के इलाकों किसी चीज़ को नहीं दे सकते हो, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, आपकी आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन है, पार्टी है, आपके बेटे का भी शादी है किसी के, आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हो। तो हमें यह जो हमारा तर्क दिया हुआ है यह पूर्ण रूप से सही नहीं है, सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसलिए यह तर्क सही नहीं है। नहीं किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे ऐसे व्यक्तियों की कारनामे कैसे भी हों। देखो, जान तो किसी भी जीव की नहीं लेनी चाहिए, सरकार में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि केवल रेपिस्ट वाले को
यह कानून में संशोधन किया गया है कि जिसने अगर किसी को रेप किया है, उसकी हत्या कर दिया है, अगर यह सिद्ध हो जाता है कि रेप करने के बाद उसने हत्या कर दिया है, तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अभी लेटेस्ट आपका न्यूज होगा निर्भया हत्याकांड, जो 16 दिसंबर 2012 में एक कुछ दरिंदों द्वारा किया गया था। इतना कृतज्ञ अपराध, जघन्य अपराध किया गया था, जिसकी सज़ा आपने देखा 7 साल तक केस लड़ने के बाद उनको सज़ा दी गई। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें कुछ, जैसे हत्या का पूछ रहा है मामले, किसी को बात विचार हो, उसने हत्या कर दिया, तो उस हत्या में उस इंसान को उम्र कैद ही सजा देना सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि यह हमारा संविधान का अधिकार भी कहता है किसी भी हत्या करना उचित नहीं है। लेकिन जो जघन्य अपराध हो जाते हैं, जिसके लिए कहीं भी कोई मर्सी की सीमा नहीं होती है, आपको पता है कि मर्सी के लिए वो लोग प्रेसिडेंट के वार्ड भेजते हैं, अगर प्रेसिडेंट उसको चाहे तो उनको उनको मृत्युदंड के सजा को उम्र कैद में चेंज कर सकता है, उम्र कैद को सजा को कुछ कम कर सकता है, क्योंकि हम जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास पावर होता है, ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे जो मानवता है, जो हमारा अधिकार है, उसका उल्लंघन होता है। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से यह भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही नहीं है, क्योंकि जो भी जघन्य अपराध करते हैं, तो कुछ ऐसे केसों में उन्हें मृत्युदंड की सज़ा देना चाहिए। क्या होना चाहिए? देना चाहिए। तो यह कंप्लीट मना कर रहा है, ठीक है, और यह कर रहा है कंप्लीट नहीं देना चाहिए। तो कंप्लीट रिजिड होकर सबको मृत्युदंड में दे देना चाहिए, भी किसी भी एंगल से सही नहीं है, और मानवता का अधिकार का चादर ओढ़ के उन्हें सबको छोड़ ही देना चाहिए, यह भी सही नहीं है। यानी दोनों तर्क हमारे क्या हो गए? गलत हैं। यानी पूर्णतः दोनों तर्क 100 में 100% दोनों भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ना एक सही है और ना दो सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे JMD क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पूरे इंडिया में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, उसके बाद से आपका काम स्टार्ट होता है। आप जितना मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, उतना आप सिलेक्शन करोगे। हमारे JMD क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।